नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं खास खबर सीधे ग्राउंड से। जैसा कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। टीकाकरण का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बीच भारत के पास दो वैक्सीन हैं जिनको पूरे देश में सप्लाई करने का कार्यक्रम जो है वो भी शुरू हो गया है। आज राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। इन तमाम जानकारी और मालूमातों के साथ जो कि एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे पास मौजूद है, मैं आपको जानकारी दे के बता दूँ कि एयर इंडिया की ओर से बयान दिया गया है। एयर इंडिया ने बयान देकर बताया है कि पुणे से लेकर अहमदाबाद के लिए जो उनकी पहली वैक्सीन की जो सप्लाई है वो की जा रही है, उनकी पहली खेप का जो वजन है वो 700 किलोग्राम बताया जा रहा है। उस खेप में 2.76 लाख वैक्सीन के डोज जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार की ओर से भी बयान दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार यानी आज के दिन उनकी पहली खेप उनके पास पहुंच रही है जिसमें 5.56 लाख वैक्सीन के डोजेस मौजूद हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने भारत बायोटेक से भी 20,000 वैक्सीन जो हैं वो मांगे हैं। इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि भारत के पास जो दो वैक्सीन हैं उसमें एक वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक हैदराबाद की बनाई जा रही है, दूसरी जो वैक्सीन है उसको बना रहा है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। ये दोनों जो वैक्सीन हैं ये दोनों पूरे देश भर में सप्लाई की जा रही हैं, जो कि कार्यक्रम लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई मेड इन इंडिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। और वैक्सीन आना सभी के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं अभी भी कि पहले बहुत ही ज़्यादा खौफ था लोगों में, लेकिन अब जैसे वैक्सीन आने के बाद में मतलब इतना नहीं है, लोग बाग थोड़ा मतलब केयर लेकर चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आने के बाद में थोड़ी ये कह सकते हैं कि उतनी फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें खुशी है कि आ गई है, लेकिन उसकी फाइनल ट्रायल नहीं हुई अभी है। और अभी सुना MP में एक लड़का मर गया, उसको वैक्सीन लगाई थी, तो कम से कम पहले पूरी ट्रायल कर लीजिए, उसके बाद आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एक बयान दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने मंगलवार को वैक्सीन को लेकर जो है एक बड़ा बयान दिया। उस बयान में उन्होंने बताया कि उनके पास -20 डिग्री से लेकर +20 डिग्री तक वैक्सीन स्टोर करने की जो क्षमता है वो मौजूद है। इसके साथ ही आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि ये जो देश भर में जो सबसे बड़ा जो टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा है इसमें पूरी दुनिया की भी नज़र बनी हुई है। साथ ही तमाम जितने छोटे देश हैं वो भी भारत से लगातार वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, उनको भी भारत जो है डोजेस सप्लाई करेगा। ये एक अपने आप में एक गर्व की बात है कि भारत ऐसा देश बन चुका है जो बाकी तमाम जो देश हैं उनमें वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। जब कोरोना महामारी का जब दौर आया था तब इस तरह की बातें उठती थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे पहले वैक्सीन बनाएंगी, सबसे पहले डोजेस सप्लाई करेंगी और हमको कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं उन पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा था कि हमको आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और इस पर सबसे पहले जो देश को गर्वान्वित महसूस कराया है वो कराया है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और साथ ही साथ भारत बायोटेक हैदराबाद ने। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने भारत में दो वैक्सीन्स दी, जो कि वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। और कोरोना महामारी पर ये सबसे पहली चोट है हमारी। कोरोना महामारी को ख़त्म करने में भारत का जो यहाँ पर रोल है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी दुनिया की नज़र है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। आपको बता दें कि जैसे कि तमाम बड़ी हस्तियों ने भी इसको लेकर भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको जो जानकारी दी, जो आंकड़े बताए कि पहली खेप में कितना वजन होने वाला है, पहली खेप में कितनी डोजेज होने वाली हैं, ये सब जानकारियाँ लगातार हमारे पास आ रही हैं, अपडेट आ रहे हैं और हमारे पास बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है कि किस वक्त कौन सी डोज कहाँ के लिए रवाना की जा रही है और क्या क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूँ कि एक अपडेट आया है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का अपडेट है। सत्येंद्र जैन ने बताया है कि राजधानी में 89 अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें से 40 जो है वो सरकारी अस्पताल बताए जा रहे हैं और उसमें 49 जो है प्राइवेट अस्पताल के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं अगर देश भर की बात करें तो देश भर में करीब 5,000 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, 5,000 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे जहां पर हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, अगर दिल्ली की बात करता हूं मैं, तो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं दिल्ली के लोगों के लिए जानना बहुत अहम है कि सबसे ज़्यादा 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो वेस्ट दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सिर्फ 2 सेंटर्स मौजूद हैं, साथ ही नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीन के लिए 11 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं सेंट्रल दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहां पर 10-10 वैक्सीनेशन सेंटर्स होने वाले हैं। साउथ दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली में भी 9-9 कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स होंगे। शाहदरा में 8 होंगे, नई दिल्ली में 7, ईस्ट दिल्ली में 6,
नॉर्थ दिल्ली में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। जैसा कि कोरोना वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, टीकाकरण जो है वो 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा और जो ट्रायल है वो आपने देखा होगा तमाम खबरों में कि ट्रायल जो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी खबरों में बताया कि ट्रायल पहले कर लिया गया है, पहले एक मॉक ड्रिल टाइप की गई कि हम लोग इसको वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है हमारा वो कैसे किया जाएगा। अब इसके बाद जब कोरोना वैक्सीनेशन का जब कार्यक्रम चलेगा तब ये जो हमारी कोरोना पर जो चोट होगी, जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन का जब कार्यक्रम धीरे धीरे आगे चलाएंगे, जब डोजेज होंगी, आपको पहले ही पता है कि ये चरण वाइज होगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में कौन आते हैं? हेल्थ वर्कर्स आते हैं। दूसरे चरण में बाकी जो बात की बातें हैं वो बाद में हम लोगों को जानकारियाँ दी जाएंगी अथॉरिटीज़ की तरफ से। पहले चरण का हिसाब बिल्कुल सिंपल बताया गया है, उन्हें बताया गया कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, साथ ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद जो उम्र दराज ज़्यादा लोग हैं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये तमाम जानकारियाँ जो हैं हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए खास खबर में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।